पपीते का बच्चा यार, मुंह देख, जूम कर जूम कर। स्वारगढ़ का फोर्ट कुछ तो है यहाँ पे, पनी क्या चीज है ये। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम जा रहे हैं स्वारगढ़ को, वहाँ पे एक फोर्ट है। आपने नालागढ़ फोर्ट सुना होगा, रामशेड फोर्ट सुना होगा, राजगढ़ फोर्ट सुना होगा। तो आज हम जा रहे हैं स्वारगढ़ फोर्ट। वैसे हमें लोकेशन बिल्कुल नहीं है पता, वैसे जैसे हम स्वारगढ़ लोकल बस स्टैंड पहुँचेंगे तो वहाँ से लोकल बंदों से पूछेंगे उसका रास्ता, ताकि आपको पूरा व्यू दिखाएंगे हम कहाँ से कहाँ जाना है रोड पे, और बाकी आगे मिलते हैं आपको। अभी अभी हम पीछे रुके थे ना, तो हमें एकदम से लगा कि बिल्ली है, पर वो बिल्ली नहीं थी, शायद चीते का बच्चा था। आपने देखा ही होगा वीडियो में, क्योंकि अगर बिल्ली होती है ना तो भाग जाती है। आपने उसका ध्यान से मुँह देखना इस वीडियो में कि कैसी लग रही है, वो चीता ही है शायद, जहाँ तक लगता है वो चीते का बच्चा था वो शायद, वो भाग ही रहा वहाँ से। वो हम तो डर गए, क्योंकि जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ माँ माता जो होती है ना वो आसे पास ही होती है, तो हम निकल गए वहाँ से। बच्चा यार मुंह देख, चीते का बच्चा है, बिल्ली लग रही है आपको इसमें, पर ये चीते का बच्चा है। ओ चलो उसकी माँ की, ओ भैया चल पर माँ तो माँ नहीं तेरे, तो मैं नहीं चल यार, चल गई, हाँ चल गया तो मैं चल गया। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जा रहे हैं आगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे दूध ही दूध पड़ी है, देखो कोई भी सामने पहाड़ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, पहाड़ नहीं दिखा रहा, कोई पहाड़ नहीं दिख रहा यहाँ से। ये देखिए ये दिख रहा है ना, जैसे आपको वो देखो सामने पहाड़ है, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। पूरी मनाली वाले रोड की फीलिंग आ रही है मुझे तो। ऊपर का रास्ता मोड़ा है, उस रोड को जाना है हमने, स्वारगढ़ से जहाँ पे रामसर का रोड मिलता है वहाँ से हमने ऊपर को चल जाना है। हमें पता नहीं है, हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं वो जगह, कच्चा रोड गया एक। जैसे ही आप स्वारगढ़ पहुंचते हो तो उससे पहले ही ना एक रामशहर का रास्ता जाता है, तो आपने क्या करना है रामशहर वाले रास्ते को अंदर निकल जाना है, और थोड़ा अप्रोक्स 1 किलोमीटर जाके आगे एक रेन शेल्टर सा आएगा, उससे आपने ऊपर वाले रास्ते को जाना है। साथ ही वहाँ से हम ये वाला रोड है वो, यहाँ से सीधा ही वहाँ पे पुराने किले के लिए रास्ता जाता है, यहाँ से ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ पे गाड़ी वूड़ी सब बाइक वुइक बो रहे हैं यहाँ पे लोकल बंदे खड़ाने को, पर हम देखते हैं अगर ऊपर रास्ता हुआ तो हम यहीं ऊपर वाले रास्ते से ही जाएंगे, यहीं से जाना है आपने ऊपर फोर्ट को। तो यहाँ से पैदल रास्ता है, नीचे हमने बाइक खड़ा दी है, तो ऊपर वाला रास्ता बोला है लोकल बंदों ने, ट्रैकिंग लगी पूरी आज, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कहीं लोकल पिंड में ही पहुँचेंगे। खेत आ गए यहाँ पे, तो छलियाँ लगी भी इनकी लगी नहीं है, पर अभी नहीं तो डाल भी लेते। और यहाँ पे व्यू देख सकते हो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, जैसे पहाड़ में जाते हो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ऊंची जगह पहुंच गए इस टाइम अब। यहाँ पहुंच तो गए, पर हमें यहाँ पे रास्तों का ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। नीचे हमें पिंड में लोग मिले थे थोड़े बहुत, ऊपर से वो पहाड़ी बोल रहे, जो मेरे को पहाड़ी तो आती थी पर इस भाई को नहीं पहाड़ी आती है, तो हम देखते अब हमें रास्ता भी नहीं पता यहाँ पे, हम ऐसे ही जा रहे हैं जो हमने मैप रीडिंग करी है कॉलेज में NCC के टाइम पे, उसके हिसाब से चले हुए अब हम बस।
उन्होंने ऐसा बोला था नीचे वालों ने कि ऊपर ही ऊपर साइड जाने, तो वही गाइडलाइंस कर रहे हैं फॉलो, राइट ही हो रहे हैं हर हर टाइम। हमें यहाँ पर एक रोड नीचे से मैंने देखा तो थोड़ा रोड आइडिया तो लगाया है कि बड़ा सा पत्थर है ये वाला, उससे सीधे जाना है। एक मंदिर भी दिखा, अभी वो देख सकते हो आप, मंदिर भी है छोटा सा एक। फिर कैसा है, कभी भी गिर सकता है ये वाला, तो ऐसे ही अड़ा हुआ है। वो देखो चुंडी छोटे जो उधर खड़ा है, और ये मंदिर है यहाँ पे। निकलो यहाँ से जल्दी, नीचे देख के बहुत दूर आगे हुए हम आज, तो हम कहीं तो पहुँचे हैं। पुराने टाइम का कुछ है यहाँ पे, सरकारी सरकुरी होगा कुछ। ये देखो ये पुराने टाइम का कुछ, नीचे भी है एक, और एक ये भी है। आज से कोई 30-40 साल पुराना है ये कुछ, तो आज भी ठीक है ये, सरकारी होगा कुछ। चल देखते ये व्यू क्या है, कुछ तो है आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, ठीक है ओके। कुछ तो है यहाँ पे, चलिए क्या चीज़ है ये, सरकारी है कुछ। ये अपना सुहागढ़ साइड ही ऐसी चीज़ें। आप सोच रहे होंगे कि मैं टूरिस्ट प्लेस क्यों नहीं किया, जैसे रामशहर फोर्ट हो गया, पर हमें ऐसी चीज़ें पसंद है जो बहुत पुरानी है और जहाँ पे थोड़े लोग ही गए हों। तो देख सकते हो आप, ऐसी चीज़ें फाइंड करने में अच्छा लगता है। यहाँ पे चेयर भी है, शायद कोई रहता होगा पहले टाइम में, एक घर भी है, और ये कुछ तो है यहाँ पे, कुछ वो शेर शोर ना निकले अंदर से। कुड़ियाँ कैसी है पुराने टाइम की, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब अभी ग्रीनरी से देखो कितना साफ सा लग रहा है घर, पुराने टाइम का मटेरियल ही ऐसा था शायद, ही होगा ऊपर वाले फोर्ट को रास्ता। देख सकते हो ये छत है उसकी कितनी पक्की बनाई हुई है, और नवे मकान ठह जाते हैं, और ये देख लो तब भी ठीक है, कितना खुला बनाया इन्होंने, और ऊपर से देखो वो भी है, उतरने के लिए रास्ता भी है यहाँ पे। ये कुछ तो है शायद मेडिसिन मुडिसिन का हो सकता है, ये छोटा हॉस्पिटल दूर से पा। ये महल फोर्ट दिख गया हमें, ऐतिहासिक फोर्ट पुराना में दिख गया फोर्ट यहाँ पे। बहुत टाइम लग गया ऊपर पहुँचने में, और मतलब थोड़ा डर सा भी था कि कुछ चीज़ ना मिल जाए, क्योंकि हमें पहले ही आज शेर टाइप कुछ मिला है, बाकी क्या पता रब्बी जाने क्या था, वो ऊपर को ही आ रहा था वापस बार बार, और फाइनली पहुंच गए यहाँ पे फोर्ट में। आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, पहुंच के फाइनली यहाँ चलते हैं अंदर। रोड रूड तो यहाँ पे कुछ नहीं है, खुद ही बनाने पड़ेंगे अब रोड यहाँ पे। नीचे देख रही हो बस, भाई साहब किधर यार फोर्ट, गलत हम आ गए थे गलत यहाँ पे, शायद नीचे से ही रास्ता होगा फोर्ट तो, ये रहा नीचे जाना पड़ेगा वापस। गया था, तो हम बहुत मुश्किल से पहाड़ पे चढ़े, बहुत मुश्किल से रास्ता देख सकते हो आप। हेलमेट टोल इसलिए डाल लिया मैंने क्योंकि उठा ही नहीं उठा सामान, इतनी चढ़ाई है ना ऊपर, नीचे खाई है वो देखो, नीचे खाई है। इस साइड से चल, पूरे से चल मोरे, अगर नीचे गिरी तो बस खाई मौत है। जंगल आ गई अंदर, तो देख सकते हो आप जंगल अंदर, ये है फोर्ट पुराना, ये रहा फोर्ट स्वारघाट का, खंडर बोल सकते हो आप, खंडर हो चुकी है चीज़ें, ये था फोर्ट था ये किसी टाइम पे। थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको जितना हम दिखा सकते हैं, क्योंकि रोड पूरा खत्म है यहाँ पे, और जगह भी तो ये खड्डे भी हैं बीच में, पता नहीं किस चीज़ के खड्डे हैं, लोगों ने तो यहाँ गंद फेंक दिया है,
कुछ तो होगा यहाँ पे, खड्डा एक यहाँ पे भी करा है, पता नहीं क्या चीज है ये। तो ये है, इस टाइम तो भर गया पूरा ये। ये भी है देखो जगह कितनी पुरानी है, ये 18th की होगी शायद, ये बहुत ही पुराना है। और नीचे खाई है, राजों के किले हमेशा ऊपर ही टॉप पे ही होते हैं, खाई है नीचे साथ में। पत्थर भी देखो हिलते तक नहीं है, आज से कितने साल पुराने हैं, नीचे खाई है साथ में। तो यही है कोट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक ही बोट है यहाँ पे, अगर सफाई हो जाए ना तो चीज़ असली दिखेगी। उस साइड से हम देख भी सकते हैं चढ़ के, तो ये जगह देख सकते हो आप, थोड़ा चढ़ के बताता हूँ आपको। नीचे खाइए, और मैं भी इस टाइम देखूंगा हूँ। वहाँ पे भी कुछ है, हम चले अब यहाँ से नीचे, आपको नीचे दिखाते हैं कैसे हम पहुँचे हुए ऊपर। ये बिल्कुल ही नीचे को रास्ता है, देख सकते हो कैसे जाना पड़ रहा है, पुराने टाइम के रास्ते हैं। राजों पे अटैक करना भी सबसे औखा होता था, हर एक किले ऊपर ही होते थे हाइट पे, कि ऊपर से निशाने तीर बजे और दुश्मन घायल, जैसे मूवीज में देखते हैं पुरानी एम्पायर के, तो यही था। बाकी हमने थोड़ा गंद जो था कुरकुरे वगैरह वो नीचे रख दिए थे, अब उठाएंगे यहाँ से वापस, क्योंकि हमने गंद नहीं गिरना है। देखी देखी ओए खाई है उधर, उरे ते आ जा, चल उरे ते ही चलते, जड़ी बूटियां फल है कुछ फल है, सप नु फल ही जाए। तो ये है फोर्ट, खंडर फोर्ट ऑफ स्वारगाट, और हॉरर टाइप में फोर्ट है ये, यहाँ पे नहीं जा सकते रात रूत को, तो डरावना सा ही फोर्ट है ये। क्या आप इस चीज़ को तो जानते होंगे जो पहाड़ के होंगे, इसे कई मेडिसिन बनती है, गूद बनता है और कई चीज़ें बनती है इसे। था स्वारगाट का फोर्ट, अब चलते हम यहाँ से, क्योंकि झाड़ियाँ ऐसी हैं डर ही लग रही है कि कोई चीज़ ना आ जाए। तो चलते हैं वापस, अब जिस रास्ते से आए थे काफ़ी दूर आ गए हम अब। तो अगर आपने आना हुआ तो जब मतलब घास घूस थोड़ा साफ हो जाता है तभी आए, नहीं तो इस टाइम डर ही है यहाँ पे। चलते हम अगले व्लॉग में, जय हिंद जय भारत।